मशहूर होगा ये ऐसे काम बड़े करता है कहाँ घूम के दादी ये किस भिखारी का कंबल चिन के आई तू कहाँ से आ रही इस समय मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी मॉर्निंग वॉक शिमला गई थी कंबल लेके नहीं वो मुझे थोड़ी सी बुखार हुई ना इसलिए मैं कंबल लौट के जा रही थी और ये सिटी के बुखार चेक करने के लिए रखी नहीं नहीं ये बीपी चेक करने के लिए बीपी बढ़ती है तो जोर से सिटी बजती है घटती है तो सिर्फ हवा निकलती है तुझे क्या जरूरत तेरी तो वैसे भी हवा निकलती है तो तरंपट बजती है गेस्ट आए घर पे फालतू में आ जाए क्या बात है तीन तीन सुरीले लोग आए हैं कनीज मेरी बच्ची मेरी जान नशीन कैसी है तू अच्छा देख लो है चाहे दादी आके सबसे पहले लड़की को बुलाया इससे लोगों को शक पड़ता नहीं तो आज तक किसी को पता नहीं चल रहा था कि अंदर क्या है अरे क्या है क्या इसे देखकर क्या है किस बात पे तुझे हंसी आई मुझे सॉरी आप उधर बात कर रहे थे दुनिया में एक यही बंदा है जो शादी के बाद भी बादशाह है शादी के बाद सब गुलाम हो जाते अब हंस नहीं हंस हंस अंकित मेरा बच्चा है आज अचानक मेरी गलियां में कैसे आ गया तू आप लोगों ने आज किया तो पड़ा मुझे स्पेशली आपसे तो मिलना ही था अरे जी तरे वैसे सच कहूं तेरे जितने भी गाने हैं ना उन सब में मुझे बिट्टू के दादा की याद आती है अच्छा सच में वो तेरा गाना था ना तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां बिट्टू के दादा भी बिल्कुल इसी तरह गाते थे सुबह शाम गलियां घूम घूम के कबाड़ इकट्ठा करते थे दादी तू तो कहती थी दादाजी मास्टर थे मैंने कब कहा स्कूल के मास्टर थे वो अपने काम के मास्टर थे चुन चुन के चुन चुन के आइटम पीस कबाड़ में सेलेक्ट करते थे वो हाँ वो तो देख रहे हैं हम लोग तू आज जब यहाँ आया है हाँ जी हाँ जी तो कुछ ऐसा छेड़ दे ऐसा एक काम करो और तेरा वाला ही है ना तू है के नहीं यही गा दे ताकि मेरा बुखार उतर जाए